कैसे कर दे सर इतने टफ क्वेश्चन? अरे टफ है क्या, सेशन में करवाया था सेम क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जो 99 था याद है आपको, सेशन में करवाया था आपको न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन में। हाँ देखो भाई कितना आसान है क्वेश्चन, दिखने में टेढ़ा है, इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट काफी आसान है। ऑफ कैपेसिटर्स द एनर्जी स्टोर्ड इन 6 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज ई, इसमें ई दे रखी प्यारे बच्चे एनर्जी स्टोर्ड, और हमें बतानी है इसमें कितनी और इसमें कितनी स्टोर्ड है, यही बतानी है ठीक, और टोटल एनर्जी बतानी है। तो इसमें अगर गिवन है तो लिख लेते हैं, किसी भी केमिस्टर के थ्रू एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर होती है, और वो दे रखी इसने 6 माइक्रोफेराड इसके थ्रू, यानी 6 × 10⁻⁶ फेराड। तो यहां से प्यारे बच्चों, अरे नहीं हाँ ये ई दे रखी है, हाँ ये एनर्जी प्यारे बच्चों ई के बराबर दे रखी है, तो इसके थ्रू एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर वो ई दे रखी है, हाफ सी है इसका 6 × 10⁻⁶ फेराड इंटू वी स्क्वायर ऐसे कैसा प्यारे बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था, जस्ट एक मिनट दो बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आया है, कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों, आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी वहां पे। IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड का आपका बैच टारगेट 70 out of 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 out of 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कॉन्टेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर वन करना है, मान लिया एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए, और वहां पे किसी भी बैच का किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। ई के इक्वल तो ये 3 पे काटेगा इसको, हाँ यानी वी स्क्वायर की वैल्यू अपने पास ई बाई 3 × 10⁻⁶, ये ध्यान में रखना, ये यूज में आएगी अपने, यानी जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उससे क्या निकाल सकते हैं वो निकाल लिया। बस अब सुनो, इसके थ्रू प्यारे बच्चों एनर्जी कितनी स्टोर होगी, इसके थ्रू हाफ सी वी स्क्वायर, हाँ तो हाफ इसका सी कितना है भाई 12 माइक्रोफेराड, 12 × 10⁻⁶ फेराड इंटू में वी स्क्वायर, ये दोनों पैरेलल में, तो जितना वी इसके पास उतना इसके पास, हाँ जितना वी का स्क्वायर इसके पास उतना इसके पास, तो वी का स्क्वायर इसके पास है प्यारे बच्चों ई बाई 3 × 10⁻⁶, हाँ तो ये आ गया 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, ये आ गया आपके पास, ये कैंसल 2e के बराबर। तो इसके थ्रू एनर्जी जो है प्यारे बच्चों 2e है, इसके थ्रू ई थी, इसके थ्रू निकालनी है। अब सुनो नेक्स्ट, तो ये तो हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हटा दो इसको, हटा दो भैया इसको हटा दो, तो इसके थ्रू 2e, हाँ इसके थ्रू ई प्यारे बच्चों, अब इसके थ्रू निकालनी है, इसके थ्रू कैसे निकालें भाई, ना तो इसका वी पता अपने को, ना क्यू पता, हाँ तो कैसे निकालें प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। एक बात बताओ, जितना टोटल चार्ज यहां से आया, कुछ यहां गया और कुछ यहां, यानी दोनों में से जितना टोटल निकला वो पूरे का पूरा इसमें से निकला, हाँ सो लिखो चार्ज थ्रू 6 parallel 12, हाँ इज इक्वल टू चार्ज थ्रू 3, हाँ क्लियर प्यारे बच्चों, बिल्कुल। तो इसके थ्रू चार्ज कितना जाएगा, इस पे सी जो है इंटू में इसका जो वी है प्यारे बच्चों, हाँ दैट विल बी इक्वल टू इसका जो सी है और इसका जो वी है प्यारे बच्चों, क्लियर। तो इसका सी टोटल निकालो सिस्टम का 12 × 6 = 18, अरे चार्ज मतलब सी इंटू वी, इंटू में इसका वी कितना भाई, इसका वी कितना है, वी ये रहा सर, इसका v इज इक्वल टू इसका अंडर रूट, मानते हो आप ये बात, लेकिन हमें तो v चाहिए, v स्क्वायर नहीं चाहिए, अच्छा तो अब क्या करें, v ऐसे कैसा रख लो, ये रख लिया, बाय में c डैश प्यारे बच्चों, c डैश कितना है इसका c 3 माइक्रोफेराड,
सो 3 माइक्रोफेराड, और ये वी डैश के इक्वल है, यानी 6 पे काट देगा, यानी वी डैश इसके थ्रू जो पोटेंशियल है प्यारे बच्चों वो होगा 6V के बराबर, 6V के बराबर। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? आई होप इट इज क्लियर। तो अब हमें इसके थ्रू एनर्जी निकालनी है, हाफ सीवी स्क्वेयर होती है, तो इसका हाफ सी कितना है, 3 × 10⁻⁶। अरे यार, 3 × 10⁻⁶ फेराड इंटू में वी स्क्वेयर, इसके लिए वी की वैल्यू 6V, तो 6V स्क्वेयर यानी 36V स्क्वेयर, मानते हैं ये बात। तो ये 2 18 पे काट देगा, 18 × 36 इंटू में 10⁻⁶, और इंटू में वी स्क्वेयर की वैल्यू है e/3 × 10⁻⁶, ये रही। तो ये काट देंगे, ये 3 इसको 12 पे काट देगा, यानी 12E के बराबर प्यारे बच्चों इसके पास एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी सिस्टम की, ये आया 12E, ये आया आपके पास 2E, इसके पास E थी, तो टोटल होगी 12 + 2 + 1 15E। हाँ, अरे अब भी गलती कर दिया कोई, देख लो भाई, 18 × 54 होता है प्यारे बच्चों, 54। ओके, और 354 को कितने पे काटेगा, गड़बड़ कर दी क्या यार, अभी भी एक सेकेंड, हाफ ऐसे कैसा, सी की वैल्यू 3 × 10⁻⁶, वी की वैल्यू थी अपने पास 6V, इसका वी 6V के बराबर, सो 36V स्क्वायर। अच्छा, इस 2 ने इस 36 को 18 पे काट दिया, हाँ, तो 18 × 54 हो गया, × 10⁻⁶, और इंटू में वी स्क्वेयर यहां से आया e/3 × 10⁻⁶, ये 3 इसको 18 पे काटेगा, ये काट देगा, तो 18 ही आया प्यारे बच्चों, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक, 18E, तो 18E 2EE यानी टोटल 21E एनर्जी ड्रॉ होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 99, फटाफट इसको नोट डाउन सभी करेंगे, सारे बच्चे करेंगे। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ प्यारे बच्चों, फटाफट। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस हैव क्वेश्चन नंबर 100, इट इज देयर ऑन योर स्क्रीन। हाँ, आई होप ऑडियो वीडियो गोइंग गुड। सो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोलता है, फटाफट देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर C1 एंड C2 विद देयर कैपेसिटेंसेस इन द रेशियो 1:2। तो प्यारे बच्चों, दो कैपेसिटर हैं, एक का C1 है कैपेसिटेंस और एक का C2 है, और उनकी रेशियो प्यारे बच्चों 1:2 है। हाँ, यानी C2 = 2C1, ये गिवन है अपने को। अच्छा, तो बोलता है हाँ, रेशियो क्या होगी उनके पोटेंशियल की, अगर उनको पैरेलल में कनेक्ट करूं, हाँ, यानी पोटेंशियल इन पैरेलल कितना रखूं डिवाइडेड बाय पोटेंशियल इन सीरीज कितना रखूं, ये रेशियो निकालनी है, इफ एनर्जी स्टोर्ड इन दीज टू केसेस बिकम सेम। प्यारे बच्चों, यानी एनर्जी जब उनको सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट किया वो इक्वल टू है एनर्जी उनकी जब उनको सीरीज में कनेक्ट किया। प्यारे बच्चों, ये गिवन है, ये पूछ रखा है, तो बिल्कुल आसान है। सुनो, एनर्जी इन पैरेलल दे रखी प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इन पैरेलल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इन सीरीज दे रखी है। देखो कितना आसान है, जो दे रखा उसका यूज करो बस। ये किसके इक्वल होता है, हाफ सी वी स्क्वायर के। हाँ, अब देखो पैरेलल में वी कितना अप्लाई करोगे, वीपी। हाँ, अच्छा सी कौन सा, जो पैरेलल में कनेक्ट करने पे नेट कैपेसिटेंस आया वो सॉरी अच्छा इक्वल टू सीरीज में नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ सी वी स्क्वायर पूरे सिस्टम की, जहां पे सी क्या है सीरीज वाला टोटल सी, और वी क्या है सीरीज में जो हमने उनको कनेक्ट करने पे वी अप्लाई किया प्यारे बच्चों उसका स्क्वायर। अब यहां से वीपी बाई वीएस निकालना है, यानी इसको इससे इस तरफ ले आऊं, आ जाएगा हाफ से हाफ, कैंसिल करो, खत्म करो इसकी कहानी। पैरेलल में जब इनको कनेक्ट किया प्यारे बच्चों, हाँ, तो अगर मैं C1 को C मान लूं, ठीक है, तो C2 तो 2C हो गया और C1 C हो गया, मानते हो आप ये बात, क्लियर है मेरी ये बात। हाँ, अब सुनो, तो यहां से मैंने क्या किया, दोनों को पैरेलल में जब कनेक्ट किया प्यारे बच्चों, लेट अस से क्या लिखेंगे आप, लेट अस से C1 is equal to C, सो C2 is equal to 2C,
हाँ वैसे भी सी तो गायब हो जाएगा प्यारे बच्चों यहां से। अच्छा तो यहां लिख लेते हैं, सो सी वन और सी टू को जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा, सी और टू सी थ्री सी बन जाएगा। हाँ तो कैपेसिटेंस थ्री सी इंटू में पोटेंशियल पैरेलल में कनेक्ट करने पे जो अप्लाई करना पड़ा उसका स्क्वायर इक्वल टू सीरीज में जोड़ेंगे प्यारे बच्चों सी और टू सी को तो टोटल कितना बनेगा सी इंटू टू सी बाय में सी प्लस टू सी। क्लियर, सीरीज में तो यही होता है C1 into C2 by C1 plus C2, तो यानी कैपेसिटेंस इन सीरीज C into 2C by में C plus 2C और into में पोटेंशियल इन सीरीज में उसका स्क्वायर, ये ऐसे कैसा। तो आप प्यारे बच्चों 3C पोटेंशियल VP का स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर, हाँ और बाय में C प्लस टू सी थ्री सी, तो C ने स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, इस C ने इस C को कैंसिल कर दिया प्यारे बच्चों और यहां पे पोटेंशियल इन सीरीज उसका स्क्वायर हो गया। हमें निकालना क्या है, VP स्क्वायर बाय VS स्क्वायर यहां से आएगा, VP स्क्वायर बाय में VS स्क्वायर यहां से आएगा प्यारे बच्चों, टू यहां था टू से टू कैंसिल हो गया, यहां पे क्या बचा यहां पे, अरे ये तो थ्री था ना नीचे, हाँ टू सी स्क्वायर बाय में थ्री प्यारे बच्चों, कटा नहीं ना ना, तो ये नीचे थ्री है भैया। हाँ तो अब तो ये वाला प्यारे बच्चों टू बाय थ्री है, हाँ तो ये नीचे जाएगा तो टू बाय नाइन हो जाएगा, टू बाय नाइन मानते हो आप, थ्री नीचे जाएगा और ये वी एस स्क्वायर नीचे आ गया, तो वी पी का स्क्वायर बाय वी एस का स्क्वायर टू बाय नाइन है, बोथ साइड अंडर रूट कर दूंगा तो मेरे पास वी पी बाय वी एस आएगा रूट टू बाई थ्री, रूट टू बाई थ्री, क्या मेरी बात क्लियर है, तो रेशियो आएगी प्यारे बच्चों रूट टू इज टू थ्री, समझ में आया, पोटेंशियल इन पैरेलल टू द पोटेंशियल इन सीरीज रूट टू इज टू थ्री, रूट टू इज टू थ्री, रूट नाइन का अंडर रूट, रूट नाइन थ्री के बराबर, रूट टू ऐसे कैसा, क्या मेरी बात क्लियर है। कितना आसान था प्यारे बच्चों, टिपिकल दिखने वाला लेकिन आसान, बस जरूरत है तो स्टेटमेंट को समझने की, यह आपका ऑल इंडिया 2016 में पूछा गया प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन, क्या रफ कर दू इसको, हटा दू सब कुछ, चलो भैया नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट टाइम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ना, एक पेज पे एक क्वेश्चन लिया करेंगे प्यारे बच्चों, ताकि इसको बार बार रफ ना करना पड़े और हम फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, चलो टाइम मिल जाता आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने का। 101st क्वेश्चन नंबर 101 ऑल इंडिया 2016 में फिर से पूछा गया, If two similar large plates each of area A, दोनों का एरिया A है, having surface charge density plus sigma and minus sigma, अच्छा, separated by distance d, बिल्कुल सही सब कुछ, in air, वाह मजा आ गया, then find the expression for filled at points between the two plates and on outer side of the plates, specify the direction of the field in each case, electric field कितनी होगी प्यारे बच्चों उनके बीच में, क्या मुश्किल है क्या यार, आपको पता है दो plates प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, ये पॉजिटिव 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 माइनस माइनस माइनस, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे होगी प्यारे बच्चों सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव के कारण भी नेगेटिव के टुवर्ड होगी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी बीच में कहीं पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी हर पॉइंट पे सेम रहेगी प्यारे बच्चों, क्लियर। अच्छा भाई नेक्स्ट, अब आप बोलोगे सर एक्सप्रेशन निकालना है इसके लिए, तो प्यारे बच्चों 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसकी वैल्यू बताने बस आपको, 1 मार्क आ गया। अब दूसरा पॉइंट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, वी निकालना है आपको प्लेट्स के बीच में, अब वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर होता है पता है आपको, हाँ ई की वैल्यू सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट है इंटू में आर की वैल्यू इनके बीच की डिस्टेंस डी है, ये लो क्लियर है ना, हाँ तो ये भी आ गया। अब बोलता है द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर सो फॉर्म्ड, हाँ आपको पता है कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी होता है प्यारे बच्चों पता है, हाँ बिल्कुल पता है, तो अब कैपेसिटेंस निकालना है, वी नो दैट सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, हाँ और क्यू कितना है दे नहीं रखा लेकिन सिग्मा गिवन है, सो चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया क्यू बाई ए होता, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, हाँ तो क्यू को या फिर आप क्यू को इसको ऐसे का ऐसा रहने दो प्यारे बच्चों, बाय में वी की वैल्यू सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट था, सिग्मा को क्यू बाय ए लिख सकते हैं क्यू बाय ए और ये डी एप्सिलॉन नॉट ऐसे का ऐसा और ये डी यहां पे, क्या मेरी बात क्लियर है, सिग्मा को क्यू बाय ए लिख दिया बस, अब यहां पर वी की वैल्यू क्यू डी और ऊपर चला गया एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू से क्यू कैंसिल आ गया ना सी एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, यही आना था यार, इसमें क्या दिक्कत है,
यही आना था, तीनों पॉइंट्स क्लियर, 3 out of 3 आपको मिल जाएंगे भैया इस क्वेश्चन के तीनों पॉइंट्स के लिए। सब कुछ आसान है, फिजिक्स से आसान कुछ नहीं है, क्यों, इसमें रटना नहीं पड़ता कुछ भी, सब कुछ आसान। अच्छा क्या पढ़ा नहीं था कि एक इनफिनिटली लार्ज सीट है आपके पास, उसके कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इनफिनिटली लार्ज नहीं है प्यारे बच्चों, फाइनाइट साइज के, लेकिन इसका एज इफेक्ट हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं तो इसके कारण भी यहां पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगी, उतनी इसके कारण होगी, तो टोटल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी दोनों का सम। क्लियर, चले आगे। ये 101 था, क्वेश्चन नंबर 102 ऑन योर स्क्रीन। अच्छा बता दो क्या क्वेश्चन अभी अभी नहीं किया था, किया था या नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन, 5-7 स्लाइड पीछे जाओ, क्वेश्चन नंबर क्या था मुझे याद नहीं प्यारे बच्चों, सेम वैल्यूज, सेम टू सेम वैल्यूज, सेम डायग्राम कर चुके हो, चलते हैं आगे। 102 कर चुके हो, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। और यही क्वेश्चन मैंने सेशन में भी करवाया था आपको, यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2 बार आ चुका, देख लो। हाँ, नेक्स्ट, एक्सप्लेन यूजिंग सुटेबल डायग्राम्स द डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर एंड डायलैक्ट्रिक। कंडक्टर का बिहेवियर क्या होता है प्यारे बच्चों इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सुनो, ये एक डायग्राम बना दिया, चलो ये कंडक्टर है प्यारे बच्चों, तो यहां पे इसके अंदर मॉलिक्यूल है, इस कंडक्टर के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, और उनके अंदर प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं इसके लैटिस के अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू मूव फ्रीली। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप लगाते हैं प्यारे बच्चों, ये ई नोट लगा दी यहां पर आपने, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट लगा दी, तो ये क्या करेगी, इस कंडक्टर के अंदर चार्जेस फ्री में मूव करने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जो पॉजिटिव है उनको एक तरफ ले जाएगी अपनी डायरेक्शन में, और नेगेटिव्स को दूसरी तरफ इकट्ठा कर देगी प्यारे बच्चों। ये कंडक्टर है, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स तब तक इस तरफ आते रहेंगे जब तक कि इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुई वो इसके अंदर जो इस तरफ ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बराबर ना हो जाए, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, और अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारे बच्चों ई नॉट माइनस ई आई 0 के इक्वल हो जाएगी। तो एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है अगर आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, तो नहीं रखेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो पहले ही 0 थी, एक्सटर्नल में रख देंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी भैया। क्यों? क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एक्सटर्नली अप्लाई की है उतनी उसके अंदर इंड्यूस हो गई। हाँ, लेकिन एक डायलैक्ट्रिक में क्या होगा, एक डायलैक्ट्रिक पे जा प्यारे बच्चे, ये कंडक्टर का केस था, कंडक्टर। अच्छा, आप एक डायलैक्ट्रिक में सेम काम अप्लाई करोगे, आप डायलैक्ट्रिक में, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है प्यारे बच्चों, ई नोट है टोटल, अंदर इसके चार्जेस जो है वो इतना ज्यादा फ्रीली मूव नहीं कर सकते, तो कुछ एक्सटेंट में पॉजिटिव इस तरफ और नेगेटिव इस तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी इन पॉजिटिव नेगेटिव के कारण, उसको ई आई बोल सकते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितनी बची, ई नोट इस तरफ, ई आई इस तरफ, तो नेट बची ई प्यारे बच्चों, जिसको बोलते हैं ई नोट माइनस में ई आई। क्लियर, ई नोट माइनस में ई आई। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट बोलता है डिफाइन द टर्म पोलराइजेशन ऑफ डायलैक्ट्रिक एंड राइट इट्स रिलेशन विद ससेप्टिबिलिटी। प्यारे बच्चों, तो पोलराइजेशन जो होता है ना पी, उसको डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, द डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड ड्यू टू अप्लाइंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण इसके अंदर जो डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुई है प्यारे बच्चों, ड्यू पर यूनिट द वॉल्यूम ऑफ द डायलैक्ट्रिक। क्लियर, आप इसकी ऐसा यूनिट क्या लिखोगे, डायपोल मोमेंट की होती है कूलम्ब मीटर, और ये है प्यारे बच्चों वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, तो ये कैंसिल कर देगी, इसका स्क्वायर बचेगा, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर पोलराइजेशन की ऐसा यूनिट आप बोल सकते हो। रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन एंड ससेप्टिबिलिटी, पोलराइजेशन होता है प्यारे बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बची है ई नॉट माइनस ई, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटके अपने पास एक कॉन्स्टेंट आता है जिसको काई बोलते हैं, CHI, और इंटू में ई ऐसे कैसा, ये आपके पास रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन एंड ससेप्टिबिलिटी, इसको ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं प्यारे बच्चों, काई याद है। तो फटाफट 3 नंबर कैच कर लो यार, फिर से आ गए सर 3 मार्क्स, वाह मजा आ गया। क्लियर, नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 104, फटाफट चले या फटाफट, क्यों